यीशु 5000 मनैन का भोजन कराऊ थे। यीशु अपन प्रेरितन का प्रचार करा का और मनैन का शिक्षा दे के लाने बहुत से अलग अलग गांव में भेजिन। जब ऊ हुन लौटिन जहाँ यीशु रहे हैं त ऊही बताइन कि ऊ का कर रहे हैं। तब यीशु उन्हीं झील के दूसर तरफ उनके साथ एक ठे शांत जगह में जाके कुछ समय आराम करा के लाने आमंत्रित करिन। तब ऊ एक ठे नाव में चढ़ गए और झील के दूसर तरफ चले गए। पर हुन बहुत से ऐसा मनई रहे हैं जोन यीशु और चेलन का नाव में जात देखे रहे हैं। ई मनई उनके आगे से झील के दूसर तरफ जाए के लाने झील के किनारे किनारे में भगिन। जब यीशु और चेला पहुँचिन तब मनैन के एक ठे बड़ा समूह उनखर इंतजार करत हुने पहले से रहो है। वह भीड़ में मेहरिया और बच्चन का बिना गिनती करे 5000 से ज़्यादा मनी रहे हैं। यीशु ऊ मनैन के ऊपर बड़ा तरस खाइन। यीशु के लाने ऊ मनई बिना चरवाहे के भेड़न के समान रहे हैं। यही से उन्हें शिक्षा दें और उनखर बीच में जौन मनई बीमार रहे हैं उन्हें चंगा करिन। दिन के अंत में चेला यीशु से कहिन, अब देर होई गह और आसपास में कोनो नगर नहीं है, ई मनैन का विदा कर ताकि ऊ जाके खाए के लाने कुछ लही। पर यीशु चेलन से कहिन, तुम उन्हें खाए के लाने कुछ दिया, हम ऐसे कैसे कर सकी थे, हमारे पास बस 5 रोटी और 2 छोटी मछली हब। यीशु अपन चेलन से कहिन कि ऊ भीड़ के मनैन का घास में 50-50 के समूह में बैठा के लाने कहा। तब यीशु 5 रोटी और 2 मछलिन का लेके स्वर्ग के तरफ देखिन और वह भोजन के लाने परमात्मा का धन्यवाद दई। फिर यीशु रोटी और मछलिन का टुकड़ा में तोड़ डालिन। ऊ मनैन का दे के लाने अपन चेलन का ऊ टुकड़ा दई दईन। चेला वह भोजन का बांटत रह गए और वह कभू समाप्त ना भा। ऊ सब मने खाए के तृप्त हो गए। ओखे बाद चेला व भोजन का इकट्ठा करिन जेही खाओ नहीं कराओ है और वह 12 टोकरिन का भरा के लाने पर्याप्त रहो है। वह सारा भोजन ऊ 5 रोटी और 2 मछलिन से आओ रहो है। मत्ती अध्याय 14:13-21, मरकुस 6:31-44, लूका 9:10-17, यूहन्ना 6:5-15 से बाइबल की एक कहानी।